हजरत उमर जिनको तख्त हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजत का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी, और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते, और जब रात के अंधेरे गहरे होते उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी, उमर की जान को रो रही। उमर के पोतले से जमीन निकल गए। कहा, क्या हुआ? कहा, 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे, कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा, फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा, मेरे आका, मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा, असलम, कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा, कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा, उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखते हैं उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है, आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है, उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पाओं को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते, उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमू को, फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा, तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं, अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर निकले यरूशलम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप, बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा, आका, मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा, इस्लाम की शान और शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजर खड़े हैं, दूर से जब देखा, कहा, इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है।
حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکا کھا رہے ہو, ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے, ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا, کہا لا الہ الا اللہ انا کنا ازل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ, اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے, اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی, اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی, وہ پینٹاگون سے نہیں ملی, وہ واشنگٹن سے نہیں ملی, وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی, وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے. اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے, ہم نے انحراف کر دیا ہے. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے. ہماری پستی, ہماری زبوحالی, ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے. اس مرکز حیات کو, اس مرکز زندگی کو, اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں. انہی حضرت عمر کی کہانی ہے, وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے, مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی, میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے, کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں.